कुछ दिन पहले पीएम मोदी की एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें वो एक शख्स के सामने हाथ बांधे खड़े हुए दिख रहे थे। वो शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी पर विराजमान उस शख्स का नाम है राकेश झुनझुनवाला। शेयर बाजार के जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के साथ पीएम मोदी से खास मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद ये खबर आई कि राकेश झुनझुनवाला के समर्थन वाली आकाशा एयर नाम की एयरलाइन को एक अल्ट्रा लो कॉस्ट विमान सेवा लॉन्च करने की प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। इस एयरलाइन की उड़ान अगले साल की गर्मियों में शुरू होने की उम्मीद है। राकेश झुनझुनवाला इस एयरलाइन में 3.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 264 करोड़ रुपए का निवेश करने को कह चुके हैं। साथ ही वो ये भी बता चुके हैं कि वो इसके लिए 70 विमान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में सबकी नजरें राकेश झुनझुनवाला की ओर घूम गई हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाता है। 5 जुलाई 1960 को जन्मे झुनझुनवाला मुंबई में पले बड़े। उनके पिता एक आयकर अधिकारी थे। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के प्रति उनका रुझान किशोरावस्था में ही शुरू हो गया था। कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें इस बात पर ध्यान देने के लिए कहते थे कि कैसे दिन भर की खबरों का असर शेयर बाजार पर पड़ता है। सिडनहैम कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त ही झुनझुनवाला ने 1985 से शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने अपने पिता से शेयर बाजार में निवेश करने के अपने इरादे जाहिर किए तो उनके पिता ने उनसे साफ कहा कि इसके लिए वो उनसे या अपने मित्रों से पैसे नहीं मांगे। बताया जाता है कि राकेश झुनझुनवाला ने केवल 5,000 रुपए की छोटी सी पूंजी से शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया और फोर्ब्स के मुताबिक आज उनकी कुल संपत्ति 6 अरब डॉलर यानी करीब 45,328 करोड़ रुपए हो गई है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध होल्डिंग घड़ी और आभूषण बनाने वाली कंपनी टाइटन है, जो टाटा समूह का हिस्सा है। झुनझुनवाला की स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेट्रो ब्रांड्स और कॉनकॉर्ड बायोटेक जैसी निजी कंपनियों में भी हिस्सेदारी है। साल 1986 में झुनझुनवाला ने एक कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे। उन्होंने ये शेयर 43 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन 3 महीनों में ही एक शेयर की कीमत लगभग 143 रुपए हो गई। अपने इस निवेश को इतनी जल्दी 3 गुने से भी ज्यादा कर लेना झुनझुनवाला के लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने जैसा था। झुनझुनवाला समय समय पर शेयर बाजार से जुड़े विवादों में भी रहे हैं। इसी साल जुलाई में झुनझुनवाला, उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला और 8 अन्य व्यक्तियों ने एप्टेक लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े एक मामले में 37 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। इस राशि में सेटलमेंट शुल्क, गलत तरीके से अर्जित लाभ का भुगतान और ब्याज शुल्क भी शामिल था। इनसाइडर ट्रेडिंग व्यापार करने का एक ऐसा जरिया है जिसमें गोपनीय जानकारी के जरिए अपने फायदे के लिए शेयर बाजार में व्यापार किया जाता है। ये पहली बार नहीं था जब झुनझुनवाला सेबी के निशाने पर आए थे। सेबी ने 2018 में उनसे एक अन्य कंपनी में संदिग्ध अंदरूनी व्यापार के लिए पूछताछ की थी। राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता है कि वो पारस जैसे गुण वाले व्यक्ति हैं, यानी वो जिस भी चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। राकेश झुनझुनवाला इंग्लिश विंग्लिश, की एंड का और शमिताब जैसी हिंदी फिल्मों के निर्माता भी रह चुके हैं। झुनझुनवाला अपनी फर्म रेयर एंटरप्राइजेस के जरिए व्यापार करते हैं। रेयर नाम उनके और उनकी पत्नी रेखा के नाम के पहले 2 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार आलम श्रीनिवास का मानना है कि राकेश झुनझुनवाला एक स्मार्ट और समझदार निवेशक हैं। इस बात का पता उनके निवेश के ढंग से भी चलता है। उनके अनुसार झुनझुनवाला कॉरपोरेट वित्तीय और शेयर बाजार की दुनिया में बहुत प्रभावशाली हैं। श्रीनिवास कहते हैं शेयर बाजार में उनके नाम से शेयर ऊपर नीचे चलने लगते हैं। अगर अफवाह फैल जाए कि झुनझुनवाला स्टॉक खरीद रहे हैं तो शेयर अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, और अगर अफवाह फैल जाए कि वो बेच रहे हैं तो शेयर का दाम नीचे आ जाएगा। राकेश झुनझुनवाला बेचते नहीं हैं, वो खरीदार हैं।